नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीआर कोचिंग सेंटर की जीके सीरीज में। दोस्तों, रेलवे एसएससी एचएसएससी या फिर यूपीएससी से जुड़े हुए क्वेश्चनों की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, चौथा पार्ट है। स्टार्ट करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों, जाटा के संदर्भ में बताना है, ए है यह भारतीय संग्रहालयों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल और डिजिटल रिपोजिटरी का एक अंग है, यह वृष्टि छाया क्षेत्रों में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन यानी कि NMSA का एक अंग है जो एकीकृत कृषि पर केंद्रित है। सी है ऑप्शन, इसमें कार्यक्रम का उद्देश्य लाल गलियारा क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी युवाओं के कौशल को बढ़ाना है। डी ऑप्शन है, यह महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए जनधन योजना को पूरकता प्रदान करता है। तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाता है ए। ए आंसर इसमें सही है, यह भारतीय संग्रहालयों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल और डिजिटल रिपोजिटरी का एक अंग है। नेक्स्ट चलते हैं 66 तरफ, प्रोजेक्ट मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसका उद्देश्य मानव शरीर के सभी ऊतकों के आणविक नेटवर्क को एकीकृत डेटाबेस तैयार करना है। सेकंड है, यह परियोजना वैज्ञानिक साहित्यों से सूचना निकालने और उनमें सूचना जोड़ने के लिए बृहत जीव विज्ञानी समुदाय, छात्र और वैज्ञानिक दोनों का सहयोग लेती है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है सी, यानी कि एक और दो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 67 की तरफ, हाल ही में लॉन्च किए गए पंच मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें फर्स्ट आता है ए हमारा, इसका उद्देश्य सूर्य के बाह्य कोरोना से सौर पवन में कणों के संक्रमण को समझना है। बी ऑप्शन है, इसका उद्देश्य GSLV प्रणालियों में क्रायोजेनिक्स को प्रोत्साहन देना है। सी है, यह मंगल की सतह पर निवास करने की संभावना का अध्ययन करता है। डी है, इसका उद्देश्य अतिध्वनिक एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का विकास करना है। इसका सही ऑप्शन हो जाता है ए, इसका उद्देश्य सूर्य के बाह्य कोरोना से सौर पवन में कणों के संक्रमण को समझना है। नेक्स्ट है इसका 68, एक समाज सुधारक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इनका जन्म वर्ष 1831 के सतारा जिले के नायगांव में हुआ। सेकंड है, वर्ष 1848 में वह पुणे में स्थापित पहले बालिका विद्यालय की पहली महिला शिक्षिका बनी। थर्ड है, 1854 में उनका पहला काव्य संग्रह काव्य फूले प्रकाशित हुआ। आपको बताना है इनमें से कौन सही है। ऑप्शन ए है सावित्रीबाई फूले, बी है कमला देवी चट्टोपाध्याय, सी है सरोजनी नायडू और डी है ज्योतिराव फूले। तो इसका सही आंसर हमारा आ जाता है ए, सावित्रीबाई फूले। नेक्स्ट आता है हमारा 69, महादेवी वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह कर्नाटक और केरल के सीमाओं पर अवस्थित है। सेकंड है, यह वन्यजीव अभयारण्य के जीवों में भाग भी शामिल हैं। तो इनमें ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही, और डी है ना ही एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर आ जाता है हमारा बी, केवल दो, यानी कि इस वन्यजीव अभयारण्य के जीवों में बाघ भी शामिल हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स यानी कि IDR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। देखिए, फर्स्ट है,
भारतीय निवेशकों द्वारा सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों में निवेश करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सेकंड है, विदेशी कंपनी को IRD के निवेश अपनी घरेलू मुद्रा में करना होता है, तो इसमें ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही, और ना ही एक ना ही दो। तो इसमें सही ऑप्शन आ जाता है, हमारा आंसर है बी, केवल दो, विदेशी कंपनी को IDRS में निवेश अपनी घरेलू मुद्रा में करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं 71 की तरफ, LTE और वॉलेट यानी कि VOLTE के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, वॉलेट एक साथ डेटा उपयोग और वॉइस कॉल को सक्षम बनाता है जबकि LTE ऐसा नहीं करता। सेकंड है, LTE की तुलना में वॉल्ट डिवाइस में बैटरी अधिक समय तक चलती है। तो आपको ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही, और ना ही एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 72 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेट्रो फसलों को सुपरिभाषित करता है। फर्स्ट है, ये तेल क्षेत्र से पेट्रोलियम निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली फसलें हैं। सेकंड है, ये ऐसी फसलें हैं जो सीधे चट्टानों पर उगाई जाती हैं। सी ऑप्शन है इसमें, ये हाइड्रोकार्बन उत्पादक वनस्पतियां हैं। डी है इसमें, ये अत्यधिक पोषण खाद्य फसलें हैं। तो इसका सही आंसर हमारा आ जाता है सी, ये हाइड्रोकार्बन उत्पादक वनस्पतियां हैं। सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं 73 की तरफ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बायोलॉजिक्स को सुपरिभाषित करता है। ऑप्शन है ए, ये अत्यधिक जटिल विनिर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से जीवित कोशिकाओं से बनाई गई दवाएं हैं। बी ऑप्शन है, ये अकार्बनिक रासायनिक यौगिक हैं जो जीवित प्राणी के अंदर प्रवेश करने पर कार्बनिक यौगिकों की नकल करने लगते हैं। सी ऑप्शन है, ये उत्तक संवर्धन से बने कृत्रिम उपयोजन अंग हैं। डी ऑप्शन है, ये ऐसे कंप्यूटर है जो मानव मस्तिष्क की नकल कर सकते हैं। तो 73 का कौन आंसर आ जाता है हमारा ए, ए आंसर हमारा सही है, ये अत्यधिक जटिल विनिर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से जीवित कोशिकाओं से बनाई जाने वाली दवाएं हैं या बनाई गई दवाएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं 74, वाकाटक वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वे गुप्त वंश के समकालीन थे। सेकंड है, वे उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया। थर्ड है, प्रभावती वाकाटक वंश की एक महिला शासक थी। तो ऑप्शन है इसमें केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक दो तीन। तो इसका सही आंसर आ जाता है हमारा डी, कौन सा, डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं 75 क्वेश्चन की तरफ, राज्य विधान परिषदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में द्वितीय सदन का सृजन या उत्साधन कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प साधारण बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। सेकंड है, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी और किसी भी दशा में सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होगी। देखिए इसमें है केवल एक, केवल दो, सी है केवल एक और दो, और डी है ना एक और ना ही दो। तो 75 का हमारा आ जाता है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो।
नेक्स्ट चलते हैं 76 बीबी का मकबरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया है। सेकंड है, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही, और न ही एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है डी, न ही एक और न ही दो, इनमें से कोई सा भी पूरक नहीं है। 77 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय डिजिटल व्यवस्था खाका के उद्देश्य हैं। फर्स्ट है, हेल्थ डेल्टा एनालिटिक्स और मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देना। सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड की एक प्रणाली का निर्माण करना। थर्ड है, कई डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों के विकास के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिवेश के सभी अभिकर्ताओं को खुले मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना। देखिए, ऑप्शन है फर्स्ट केवल एक और दो, सेकंड दो और तीन, थर्ड केवल एक और तीन, और फोर्थ है एक दो और तीन। तो 77 का सही आंसर हमारा हो जाता है डी, सभी इसमें जो दिए हुए हैं वो इसके पूरक हैं। नेक्स्ट चलते हैं 78 की तरफ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, एशियाई महाद्वीप में होमो इरेक्टस की जीवाश्म नहीं पाए गए हैं। सेकंड है, होमो इरेक्टस की ऊंचाई यानी कि कद में अधिक भिन्नता थी पूर्व के आदिम मानवों की तुलना में, इनमें लंबे और नाटे लोगों की संख्या अधिक थी, यानी कि लंबे और बोने लोगों की संख्या अधिक थी। तो आंसर है इसमें केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही, और न ही एक न ही दो। तो इसका हमारा सही आंसर आ जाता है बी, केवल दो। नेक्स्ट चलते हम 79 की तरफ, हमारा 79 क्वेश्चन है, भारत पर्व 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। सेकंड है, इसका उद्देश्य भारतीय कला शैलियों को प्रोत्साहन देना है। तो इसमें ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही, या फिर न एक और न ही दो। तो 79 का हमारा आंसर आ जाता है डी, न ही एक और न ही दो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 80 की तरफ, मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें फर्स्ट है, संकीर्ण मुद्रा में डाकघर बचत बैंक की बचत जमाएं शामिल होती हैं, या फिर सेकंड है, M4 को समाज के सकल मौद्रिक संसाधन कहा जाता है। थर्ड है, इसमें M1 से M2 की ओर तरलता बढ़ती है। तो ऑप्शन है इसमें केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, या फिर एक दो तीन। तो इसमें हमारा सही आंसर आ जाता है ए, केवल एक, यानी कि संकीर्ण मुद्रा में डाकघर बचत बैंक की बचत जमाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा 81, पार्टिसिपेटरी नोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें फर्स्ट है, यह किसी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेश यानी कि FII द्वारा विदेशी अधिकार क्षेत्र में जारी एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड है, RBI पार्टिसिपेटरी नोट्स को निमंत्रित करता है। थर्ड है, पार्टिसिपेटरी नोट्स धारक को मतदान का अधिकार प्राप्त करता है। तो इसमें ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या फिर केवल एक और तीन, या फिर एक दो और तीन। तो इसका हमारा सही आंसर आ जाता है बी, यानी कि केवल दो और तीन इसमें सही हैं। नेक्स्ट चलते हम 82 क्वेश्चन की तरफ,
इक्विटी बाजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, हमारा प्राथमिक बाजार में कीमतें निश्चित होती हैं, जबकि द्वितीयक बाजार में व्यापार की जा रही प्रतिभूतियों की मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमतें बदलती रहती हैं। सेकंड है, प्राथमिक बाजार में प्रतिभूति केवल एक बार बेची जा सकती है, जबकि द्वितीयक बाजार में ऐसा अनगिनत बार किया जा सकता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही, और डी ऑप्शन है न एक और न ही दो। तो इसमें हमारा सही आंसर आ जाता है सी, यानी कि एक और दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 83 की तरफ। देखिए, प्रतिभूति बाजारों के संदर्भ में ग्रीन शू ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है, सिस्टर कंपनियों के अंतरण मूल्य के निर्धारण हेतु निर्यात उत्पादों में कारक मूल्य का उपयोग करना। बी है, पहली बार सूचीबद्ध कंपनी के लिए आवर अलॉटमेंट का प्रावधान। सी है, लघु एवं मध्य उद्योगों के क्षेत्र में नए उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा छूट। डी ऑप्शन है, दिवालियापन के लिए दाखिल कंपनी द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड हेतु अनुमानित छूट। तो इसमें है सही ऑप्शन हमारा बी है, पहली बार सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ओवर अलॉटमेंट का प्रावधान है। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन, व्योम मित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट, हमारा रॉकेट प्रणोदन में सहायता के लिए एक वर्चुअल सहायक कार्यक्रम है। बी ऑप्शन है, यह एक रोबोट है जिसका प्रयोग गगनयान मिशन के प्रशिक्षण उड़ान में किया जाएगा। सी ऑप्शन है, यह GSLV में एक उड़ान विकल्प प्रणाली है। डी ऑप्शन है, यह निकट भविष्य में विकसित किए जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है बी। बी ऑप्शन क्या है, यह एक रोबोट है जिसका प्रयोग गगनयान मिशन के प्रशिक्षण उड़ान में किया जाएगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन 85, भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही बताना हमें। फर्स्ट है ए ऑप्शन, यह RBI के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। बी है, इसमें यह आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सी ऑप्शन है, इसमें यह भारी उद्योग एवं लोक उद्गम मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। डी ऑप्शन है, इसमें यह कॉरपोरेट मामलों में मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी कि इसमें हमारा सही आंसर आ जाता है बी। क्या है, यह आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। थैंक यू, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।